दोस्तों जब कभी किसी कस्टमर केयर से हमारी बात होती है तो कभी ऐसा होता है कि उसके जो बात करने का तरीका है वो हमें अच्छा नहीं लगता और उस टाइम हमें ये लगता है कि कस्टमर हमसे अनप्रोफेशनल वे में बात कर रहा है, तो हम इरिटेट होकर कस्टमर की कॉल को डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो किसी भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए इफेक्टिव फोन कॉल स्किल्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसकी सहायता से आप कस्टमर को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। जब आप कॉल पर होते हैं तो वहां पर आपकी जो ड्रेसिंग और लुकिंग होती है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है, वहां पर आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वही आपकी हेल्प करती है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ यूजफुल टिप्स जिसके सहायता से आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल धीरु टॉक्स पर। दोस्तों BPO's के अंदर दो टाइप की कॉल होती है, एक होती है आउटबाउंड कॉल, एक होती है इनबाउंड कॉल। आउटबाउंड में ये होता है कि जो कंपनी होती है वो कस्टमर को कॉल करती है अपने सर्विस और प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जबकि इनबाउंड कॉल में ये होता है कि जो कस्टमर होता है वो कंपनी में कॉल करते हैं किसी क्वेरी के सॉल्यूशन के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम के शॉर्ट आउट के लिए। दोस्तों एक BPO में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि मैं एक दिन में 200 से 300 कॉल करनी होती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमें ये सारी कॉल्स कंप्लीट करनी होती है, वो भी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। हमें कम से कम टाइम में कस्टमर को प्रॉपर सॉल्यूशन देना होता है और उससे वो 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फाइनली जब हमारी कॉल कस्टमर से कनेक्ट होती है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है उनकी हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्रीटिंग करना। दोस्तों आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमें स्टार्टिंग में कस्टमर को इंगेज करना होता है, कस्टमर को लगना चाहिए कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है। हमें स्टार्टिंग में कस्टमर को विशिंग देनी होती है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और साथ ही आप अपना नेम और कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें आप कस्टमर को बताइए। सेकंड स्टेप आती है नो योर कस्टमर। हमें कस्टमर के बारे में जानना होता है, कस्टमर कहाँ से है, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका नेम, उसका पूरा बायोडाटा हमें जानना होता है, उसका इनकम सोर्स क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस तरह की है, क्या वो किसी सर्विस या प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो ये सब हमें जानना होता है। थर्ड स्टेप होती है लिसनिंग टू कस्टमर प्रॉपरली। दोस्तों जब हम कस्टमर से बात करते हैं, जब वो हमें कोई प्रॉब्लम बताता है तो हमें उस टाइम उसकी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सुनना है और ध्यान से सुनना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसकी बातों को बीच में स्किप कर रहे हैं या हम कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हम उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फोर्थ स्टेप है गिव देम प्रॉपर सॉल्यूशन। दोस्तों कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हमें शॉर्ट आउट करना होता है, हमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपके लेवल की प्रॉब्लम है और आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कस्टमर को, तो आप उसे शॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जो कस्टमर है वो आपकी जो सॉल्यूशन है उससे 100% सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो आप उस कॉल को अपना जो सीनियर डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। वो लोग कस्टमर को कॉन्टेक्ट करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। और हाँ, कभी भी आप कस्टमर से झूठा कमिटमेंट ना करें। कस्टमर से झूठा कमिटमेंट करके आप कस्टमर को टेम्परली हैप्पी रख सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको हैप्पी नहीं रख सकते। लॉन्ग टाइम अपनी कंपनी का कस्टमर बनाकर आप उसे नहीं रख सकेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमें जब कॉल डिस्कनेक्ट करनी होती है उससे जस्ट पहले हमें कुछ एप्रिशिएट वर्ड्स उनको बोलना होता है, जैसे हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, सर आपने हमें इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर आपने हमसे बात की है, उसके लिए आपका शुक्रिया और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। तो ये चीज़ें आप कस्टमर को बोलिए ताकि कस्टमर और हमारे बीच एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सके।
और दोबारा कस्टमर हमारी कंपनी में कॉल करें। और इसके साथ ही कॉल स्टार्टिंग से लेकर कॉल एंडिंग तक हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस पर स्माइल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को आप जो बात बोल रहे हैं वो उसको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, और कस्टमर के द्वारा जो क्वेश्चंस आपको किए गए हैं, जो प्रॉब्लम्स उसकी हैं, वो भी आपको प्रॉपरली समझनी है। और कस्टमर से आपको पोलाइटली बात करना है, आपको इरिटेट होकर कस्टमर से बात नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।